बिग बॉस की एक्स कंटेंडर दोस्तों अब उतर पड़ी है रुबीना दिलैक के सपोर्ट में और कर दी है एक बड़ी बात, बोल दिया है कि कोई इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप आपकी आप जो है अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग है। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बढ़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं तो आप फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं ये एक्स कंटेंडर कौन है दोस्तों। ये एक्स कंटेंडर और कोई नहीं सीजन 13 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है जिसने सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच में आग लगा दी थी। समझ ही गए होंगे आप। जी हाँ, शिफाली जरीवाला दोस्तों, जिसने बिग बॉस के घर में, बिग बॉस 13 के घर में एक अलग पहचान बनाई। जाते ही वो पहले हफ्ते में कप्तान बन गई थी। बड़ी आसानी से शिफाली जरीवाला ने सारी चीजें घुमाने की कोशिश की एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर थिंग, जहां पर शिफाली जरीवाला ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर रुबीना जो है वो अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग है। बताना चाहता हूं दोस्तों, तो शिफाली जरीवाला ने इंटरव्यू दिया है जहां पे जैस्मिन के सडन इविक्शन पर उनका रिएक्शन आया है। वो कहती हैं कि ये जो मोमेंट था फैंस के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था और बहुत सारे ये टैंट्रम से भरा हुआ भी था बिग बॉस 14 का ये पूरा हफ्ता। और अगर देखा जाए तो जैस्मिन का जो इविक्शन है वो उनके परफॉर्मेंस से हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो रुबीना, अभिनव, एली और जैस्मिन, ये चारों थे जिनमें से ये चारों ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। जैस्मिन आउट हुई बिग बॉस के घर से और कहीं ना कहीं यहाँ पर फैंस ने जो है फैंस या फिर ऑडियंस ने वोट आउट करके इस तरीके से जो है जैस्मिन को बाहर कर दिया और वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे था और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि रुबीना दिलैक बहुत अच्छा खेल रही हैं और उन्होंने रुबीना को बकायदा सपोर्ट भी किया है। वो कहती हैं कि रुबीना दिलैक शो में एक अलग क्वालिटी ऐड करती हैं और इट्स ओके टू बी अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेटिंग। जी हाँ, और रुबीना दिलैक कहती हैं कि रुबीना की पर्सनैलिटी फियर्स है और वही हमें देखने को मिल रही है और ये जबरदस्त है। वहीं अगर बात करें अर्शी खान की कि वो रुबीना को बार बार अननेसेसरी पोक करती है, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। जी हाँ, वो कहती हैं कि वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और वो कहती हैं कि राखी जिस तरीके से फनी अभिनव के साथ जो है फ्लर्टिंग करती है वो हिलेरियस लगता है, वो हास्यप्रद लगता है। सो गाइज, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फो।